हेलो एवरीवन, आज मैंने बात करनी है जॉब्स इन चाइना के हवाले से। बट जैसे ही मैं बाहर निकला और वीडियो बनाना शुरू की, स्टार्टेड स्नो फॉलिंग और इट्स कोल्ड एंड बर्फबारी जो है वो काफ़ी स्पीड में स्टार्ट हो चुकी है। वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, ऑल्दो मैंने वेदर भी देखा था, आई थिंक गलत देख लिया। बट एनीवेज, आज मैं बात करूँगा जॉब्स इन चाइना से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं लोगों के कि वो जॉब्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो जॉब्स की भी ऑफर्स कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस हवाले से बात करूँगा। बट आई थिंक यहाँ पर एक शोर है और दूसरा है बर्फबारी तेज़ हो रही है, तो आई थिंक आई शुड गो इनसाइड फर्स्ट एंड देन चार्ज बॉडी और या अपना भी गो इनसाइड फर्स्ट। ओके जी, बात करते हैं वर्क इन चाइना या जॉब्स इन चाइना से रिलेटेड। और कुछ स्टूडेंट्स ने रिसेंटली कॉन्टेक्ट किया, वो पूछे थे जॉब्स के बारे में। उसके अलावा जो है कुछ स्कैम्स भी मेरे सामने आए, वो भी देखे और लोगों ने डिस्कस किया कि जॉब्स का क्या सिचुएशन है चाइना में, तो इसलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। मैं हूं नशरवान, और अगर आपका किसी भी किस्म का स्टडी इन चाइना या वर्क इन चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज है दिनोश, facebook.com/dinosh, और इंस्टाग्राम है dinosh1। ओके जी, सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए है मेरी ये बात कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली पूछते हैं कि क्या हम स्टडीज़ के साथ जो है वो जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो अलाउ है चाइना में, बट फुल टाइम जॉब जो है वो इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप जो आप कर सकते हैं चाइना में, बट उसमें कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोग स्टूडेंट्स जो है वो जॉब्स नहीं कर पाते हैं। और उसमें सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो स्टूडेंट को ये होती है कि जो आपको पार्ट टाइम वर्क है वो आपको आपकी रेलिवेंट फील्ड में ऑफर होना चाहिए, और या फिर जो अगर आपकी इंटर्नशिप भी है तो वो आपकी रेलिवेंट फील्ड में आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो एक लेटर लेना होगा जिसमें आपको इजाज़त दी जाए, परमिशन हो कि आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। देन आप वो परमिशन लेटर और जॉब लेटर साथ अटैच करके आप जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है पार्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, वो बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा होता है बट उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ है। अगर आपकी इंटर्नशिप है तो वो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, और पार्ट टाइम जॉब है तो उसका भी 6 to 1 year, 6 months to 1 year जो है वो उसकी ड्यूरेशन हो सकता है। सो ये एक प्रोसीजर है। अगर आप लेट्स से आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप जो है जॉब जाके मार्केटिंग की या किसी और अकाउंट्स की जॉब जो है वो अगर आपको मिली है तो आप करते हैं, तो आपको नहीं मिल सकती, आप कर नहीं सकते, अलाउ नहीं है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब जो लोग जो है वो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं जिन्होंने चाइना से मास्टर्स किया है या PhD की है लेट्स से या बैचलर्स किया है, तो क्या वो जॉब्स जॉब कर सकते हैं या उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका ये है कि पहले आपको जो पहले रूल था वो ये था कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद, चाहे आप अंडरग्रेड से ग्रेजुएट हो रहे हो या मास्टर्स कर किया है और आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद 2 years का गैप होना ज़रूरी है वर्क वीज़ा के लिए, या 2 years गैप इन द सेंस के 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट वो अब लिमिटेशन ख़त्म कर दी गई है, अब पॉइंट्स बेस्ड जो है वो वर्क वीज़ा दिया जाता है, इसलिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। कुछ जो है वो मेरे दोस्त जो है चाइना में जॉब्स कर रहे हैं। पर्सनली मैंने जो है वो जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया चाइना से, उसके बाद मैंने जो है वर्क वीज़ा लिया था और मैं वहाँ पर जो है वो 1 साल वर्क परमिट पे मैं काम कर चुका हूँ। सो वो जो एक्सपीरियंस वाली लिमिटेशंस थी वो अब ख़त्म कर दी गई हैं। दोस्त के अपने पॉइंट्स हैं बट वो पॉइंट्स आप दूसरी साइड से भी जो है किसी और डॉक्यूमेंट से भी पूरे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इसमें भी टेक्निकल चीज़ें हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हुए, आप लेट्स से अकाउंट्स में आपने मास्टर्स किया है, अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट में आपने वो जो है वो मास्टर्स किया है, और आपको जो जॉब मिली है वो किसी लेट्स से पढ़ा आपने अकाउंट्स है बट आपको जो है वो जॉब मिल रही है समथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, आपको मे बी आपको कोई
टेक्निकल स्किल है आपके पास और आपको उसकी बेस के ऊपर जॉब मिल रही है, आप मिल जाती है अमूमन. कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल उनका बैकग्राउंड होता है, लाइक एमबीए वगैरह कर रहे होते हैं, बट उनकी जो उनके पास एमबीए आईटी किया होता है तो उनके पास कोडिंग के स्किल्स होते हैं तो वो उनको जॉब्स मिल जाती हैं. बट आपको उसके ऊपर जो है वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है बेसिकली. वन ऑफ द एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में मास्टर्स किया हुआ है और पीएचडी फिर उन्होंने कम्युनिकेशन में की और उनको एक जॉब मिली कंपनी में और वो इंटरप्रेटर की जॉब थी बेसिकली, चाइनीज़ इंटरप्रेटर. तो उन्होंने जब वो जॉब अप्लाई की उनका वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया और उसकी रीज़न ये थी कि वो ये बताया गया कि यार ये जो स्किल है ये ऐसा स्किल नहीं है कि जिसके ऊपर हम आपको वर्क वीज़ा दें. हमारे पास ऑलरेडी जो है वो इंटरप्रेटर्स या ट्रांसलेटर्स की जो तादाद है वो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, वो ये काम जो है यहाँ पर भी कोई भी हमारा लोकल बंदा जो है वो कर सकता है. सो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है कि कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए जो लोकली जो है वो उसकी एम्प्लॉयज़ जो है उस तरह का स्किल जो है वो कम हो. अमूमन टेक्निकल जो जॉब्स होती हैं उसमें मिल जाती हैं, मार्केटिंग की कुछ जॉब्स होती हैं उसमें आपको जो वीज़ा मिल जाता है क्योंकि आपने ओवरसीज़ मार्केटिंग करनी होती है, आपको ओवरसीज़ अंडरस्टैंडिंग और उनकी लैंग्वेज और स्टफ लाइक दैट जो है वो आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके ऊपर जो है वो आपको मिल जाती है. कंप्यूटर साइंस के मेजर से जो लोग होते हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि उनका कुछ समटाइम्स ऐसी स्किल्स होती हैं, जैसे बिग डेटा एक इमर्जिंग फील्ड है तो उनकी जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आपकी फील्ड है तो उसमें ऐप्स डेवलपमेंट में तो इसमें जो है वो वर्क वीज़ा जो है वो ईजिली मिल सकता है. सो आपका जब आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फील्ड है वो आपके रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ और है और जॉब जो है वो कुछ और कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कुछ और था और जॉब जो है वर्क वीज़ा आप किसी और में अप्लाई कर रहे हैं. सो ये चीज़ें कंसीडर करने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, अगर आपको कोई भी कंपनी वहाँ पर ऑफर करती है तो देन आपको वर्क वीज़ा ईजिली मिल जाता है. उसमें ये होता है कि कुछ कंपनीज को हर कंपनी को फॉरनर रिक्रूट करने की इजाज़त नहीं होती है. एक स्टैंडर्ड होता है कंपनी का, कुछ एक उनके जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आपकी कंपनी लाइक करती है तो वो आपके लिए वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकती है. अब आते हैं कुछ स्कैम्स की तरफ, या कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप नहीं कर सकते या किस तरह से इलीगल है, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो अगर आप कर रहे होंगे तो आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है, स्टफ लाइक दैट. सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके पास परमिशन नहीं है, पार्ट टाइम वर्क का जो है वो वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ हुआ है आपके पासपोर्ट पे और अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आप स्ट्रेट अवे आपको डिटेन किया जाएगा 10 से 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए. उसके बाद जो है कुछ आपको फाइन भी हो सकता है और फिर आपको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर दिया जाएगा. बिफोर 2018 ये था कि अमूमन जो है वो फाइन करके वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता था. फाइन अबाउट 15,000 to 20,000 RMB फाइन होता था तो वो आपको पे करना होता था और आपको जो है वो वार्निंग के बाद छोड़ दिया जाता था. बट अब ऐसा नहीं है, अब जैसे ही स्टूडेंट को जो है वो पकड़ते हैं उसको स्ट्रेट अवे रिपोर्ट कर दिया जाता है. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं जैसे इंग्लिश टीचिंग की किंडरगार्टन में या किसी और प्राइवेट स्कूल में जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वो ईजिली मिल जाती है. उसके अलावा जो है वो आपको जॉब मिल जाती है मॉडलिंग वगैरह की या मूवीज़ में एक्स्ट्राज के पार्ट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी कुछ एक्स्ट्राज चाहिए होते हैं फॉरनर्स, तो उसमें जो है वो आपको जॉब मिल जाती है. एनीवेज ये इस तरह की जॉब स्टूडेंट्स करते हैं और ये इलीगल है बट कर रहे होते हैं, पकड़े गए तो इट्स योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके अलावा एक फेसबुक के ऊपर मैं कुछ देख रहा था, कुछ लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट भी किया, पूछा भी कि हमें जो है वो कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं कि आप चाइना में आए और इंग्लिश पढ़ें और आपको हम वर्क वीज़ा देंगे. तो उन लोगों के लिए मैं क्लियर करता चलूँ कि इंग्लिश टीचिंग के लिए वर्क वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनैलिटीज़ को अलाउ है और उन 5 नेशनैलिटीज़ में जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है वो उनको अलाउ है, जिसमें US, Canada, Australia, New Zealand and I think South Africa. इन 5 मुल्कों को जो है वो अलाउ है. अगर आप इसके अलावा किसी मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है तो उस पर आपको वीज़ा जो है वो इंग्लिश टीचिंग के लिए नहीं मिल सकता. आपको ये उसकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि
आपके पास ESL जो है वो होना चाहिए या कुछ तरह का रिलेटेड इंग्लिश टीचिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको वर्क परमिट मिल जाता है। बट अगर आपके आप इन पांच नेशनैलिटीज में नहीं है, आप किसी भी और कंट्री से, तो आपको जो है वो वीज़ा जो है वो नहीं दिया जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये कनाडा है ये यूके है, बट पांच इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, आई एम श्योर कि पांच ही हैं, और उसमें जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ये कंट्रीज जो है नहीं आते हैं। अगर आप इन कंट्रीज से हैं तो आपको इंग्लिश टीचिंग का वर्क परमिट जो है वो नहीं मिल सकता है। और अगर आपको कोई वर्क परमिट ऑफर करता है इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें ये होता है कि वो आपको किसी कंपनी का वर्क परमिट जो है वो दिलवाएंगे, और आप उस कंपनी में बेसिकली जॉब नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उनको जो है वो किसी किंडरगार्टन में जाके पढ़ा रहे होंगे, और आप शो ये कर रहे होंगे कि मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ये भी इलीगल है, और इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर आप किसी किंडरगार्टन में टीचिंग करते हुए पकड़ा गया, बेशक आपके पास वर्क परमिट है किसी कंपनी का, लेकिन आप जो है वो टीचिंग कर रहे थे किसी स्कूल में, किंडरगार्टन में या इंस्टीट्यूट में, तो आपको स्ट्रेट अवे आपका वर्क वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाता है, और आपको वापस जो है आपके कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है आफ्टर डिटेंशन, और आपसे जो है समटाइम्स जो है वो फाइन भी होता है, फाइन पे करने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। सो अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कि हम आपको जो है वो वर्क वीज़ा देंगे, तो आप इस बारे में क्लियर होना चाहिए आपको कि ये इलीगल है, और अगर आप करते भी हैं, आते भी हैं, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप अगर आते हैं तो। वर्क वीज़ा में ये है कि ये अबाउट जो ये वाला मैं बता रहा हूँ कि 25,000-30,000 RMB जो है वो इसका चार्ज करते हैं, ये जो कंपनी का वीज़ा होता है, और आके आप कंपनी में काम नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली कहीं भी पढ़ा रहे होते हैं या अपनी मर्जी का कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो तकरीबन 25,000-30,000 RMB जो है वो लेते हैं। लेकिन वो रिस्की होता है, कभी भी आप पकड़े गए, आप कहीं और काम कर रहे होंगे और आपके पास वीज़ा किसी और कंपनी का है, और आप किसी और कंपनी में बैठे हुए जॉब कर रहे हैं या किंडरगार्टन में पढ़ा रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा, वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। सो बी श्योर कि आप किसी किस्म के ऐसे स्कैम में जो है वो ना पड़े। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि अब जो आपका लास्ट ईयर होता है, लास्ट सिक्स मंथ जो होते हैं जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन लास्ट सिक्स मंथ्स में आप जॉब हंटिंग करें, आप अगर मिलती है आप इंटर्नशिप करें। फिर अमूमन ये होता है कि कंपनीज चाइना में डायरेक्टली वर्क पे जो है वो नहीं ले रहे होते, वो पहले आपको इंटर्नशिप पे रखते हैं या पार्ट टाइम देखते हैं कि आपका काम कैसा है, फिर आपको जो है वो ऑफर करते हैं। लाइक मैं जो है वो एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, पार्ट टाइम था, और जब मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो दे ऑफर मी वर्क वीज़ा, और फिर मैंने एक साल का वर्क वीज़ा लिया। बिल्कुल इसी तरह यही चैनल आप भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट सिक्स मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको ज़ाया ना करें, आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यूज दें अपने स्किल्स के मुताबिक, और जब आपको वहाँ से ऑफर हो, ताकि आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपको जो है वो कंपनी वर्क वीज़ा भी दे रही हो, और आप जो है एक एग्जिट करने के बाद वापस चाइना जाएँ और आप जो है वो वर्क परमिट पर काम कर रहे हो। एग्जिट जो होता है वो मस्ट होता है अगर आपको चाइना में स्टूडेंट वीज़े पे और आपको वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो उसको आपको चाइना से एग्जिट करना होगा किसी डिफरेंट कंट्री में, जो आपका होम कंट्री है वहाँ से जाके आपको जेड वीज़ा लगवाना होगा और फिर वापस चाइना आना होगा। तो ये थी कुछ मेन पॉइंट्स जो वर्क इन चाइना या जॉब्स इन चाइना से रिलेटेड थे। अगर आप टेक्निकल स्किल्स हैं आपके पास, तो फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज चाइना में ज़्यादा हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो ये आता है कि आपका चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो आपको नहीं आती, चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से जो है वो आप जॉब नहीं कर सकते। लास्ट थिंग जो मैं मेंशन करता चलूँ कि आप किस टाइप की जॉब नहीं कर सकते। सो चाइना एक डिफरेंट कंट्री है, यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है कि आप जो है वो कोई और जॉब नहीं कर सकते, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आप कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी, ड्राइविंग या किसी रेस्टोरेंट पे काम करना या कोई भी लेबर वर्क या पार्ट टाइम कोई भी ऐसा काम जो है वो आप उनको मेरे स्टोर पे काम करना, स्टफ लाइक दैट। बट चाइना में ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इनलीगल है, और अगर आप किसी स्टोर पे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पुलिस की नज़र में होंगे, आपको जो है वो पकड़ लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। तो
ایسی جاب جو ہے وہ چائنا میں الاؤ نہیں ہے. اگر آپ چائنا آ رہے ہیں اسٹڈیز کی وجہ سے یا کسی بھی اور پرپز سے اور آپ کا وہاں پر لانگ ٹرم جو ہے وہ جاب کا پلان ہے تو ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چائنا آپ موو کریں یا اس کے لیے جو ہے وہ اپنا فیوچر پلاننگ کریں. اینی ویز اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی اگر کوشچن ہے جو میں نے پوائنٹ اس میں مس کر دیا تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ ڈائریکٹلی مجھے میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جو لنکس ہیں وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دوں گا. اور آپ کا اسٹڈی ان چائنا، ورک ان چائنا، اسکالرشپس ان چائنا سے ریلیٹڈ جو ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوشچن ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.